तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी को राम राम। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और जो आपका लक्ष्य है वो 2023 में आपको मिले, मैं भगवान से आशा करता हूँ। वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का जो ड्राइविंग टेस्ट जिन्होंने दिया है वो क्वालिफाई है और सभी का आपका सिलेक्शन हो जाए मैं उम्मीद करता हूँ और आप सभी के घर में खुशहाली का माहौल आए। और यहाँ पर आज मैं आपको दो अपडेट दूंगा, एक तो RTI का रिप्लाई जो लगातार वायरल हो रहा है, एक रिजल्ट PDF के नाम पे एक के भी रिजल्ट की लिस्ट आ गई है, ऐसा कुछ वायरल हो रहा है, दोनों के बारे में तो यहां पर मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि रियल में सच्चाई क्या है, ठीक है ना। तो ये चलता हूं मैं सबसे पहले RTI का जो रिप्लाई आया है, तो सबसे पहले आपके सामने यहां पे RTI का रिप्लाई मैं आपको दिखा रहा हूं और ये RTI का रिप्लाई सबसे पहली बात तो एकदम रियल है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का चीटिंग एडिटिंग नहीं की गई है। आप इस पोर्शन को आप देख पा रहे हैं, ये रियल एकदम पेज है और इसमें आप देख पा रहे हैं 17 यहां पर नवंबर को 2023 को यहां पर ये डिस्पेच हुई है। और यहां पर आप कहेंगे कि सर इसमें एडिटिंग हुई, तो आप इस पोर्शन में देखेंगे यहां पर कुछ एडिटिंग जरूर हुई है और वह एक मानवीय भूल थी, इसको यहां पर जो है जिसने टाइप किया, जिसने रिप्लाई तैयार किया 20/11/23 लिख दिया गया था, जिसको यहां पर काट के 20/10 बनाया गया बिल्कुल, क्योंकि जो RTI में इनको जो RTI मिली थी उसको यहां पर 20/10 की जगह 11 लिख दिया था, जिसकी वजह से 10 किया गया। तो ये एकदम यहां पर रियल है, इसमें किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं की गई है, ये मानवीय भूल को सही किया गया, ठीक है। बाकी जो ये RTI है ये एकदम रियल RTI है और यहां पर दो सवाल पूछे गए थे जिसमें पहला है हाउ मेनी वैकेंसीज इंक्रीज इन दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022, देयर इज नो प्रपोजल टू इंक्रीज द वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022। पहली बात तो ये इस सवाल का जवाब यही आना था, जब तक कोई वैकेंसी बढ़ती नहीं है तब तक इन द प्रोग्रेस रहती है और वैकेंसीज टाइप का कोई भी सवाल होगा बढ़ने को लेके, पोस्ट इंक्रीज को लेके, तो इस प्रकार के सवालों के जवाब RTI में नहीं दिए जाते हैं, है ना। तो जब भी प्रपोजल पे फाइनल जो साइन हो जाते हैं ना उसके बाद ही यहां पर इस प्रकार की RTI में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो यहां पर ये लाजमी था कि यही जवाब आना है। अब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी और यहां पर वो अलग बात है, लेकिन ये जवाब फिक्स था, पहले भी यही आना था, हमने भी लगाया था, उसका भी रिप्लाई यही आया था और हमने उसको आपके साथ शेयर नहीं किया था। अब ये PDF जो वायरल लगातार हो पा रही है तो इस PDF में भी वही जवाब आया है जो मैंने लग रहा था, मतलब कि आपकी जो वैकेंसी है बढ़ने का अभी जो प्रपोजल है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, नहीं पूरा फाइनल पास हुआ है, तो नहीं हुआ तो यहां पर संभावना आप भी ऐसा है कि आप भी ऐसा मानो आपकी जो पोस्ट इंक्रीज है वो नहीं होगी। दूसरी बात यहां पे है, दूसरा सवाल है हाउ मेनी कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर ट्रेड टेस्ट फॉर ऑफ EWS कैटेगरी, द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस 2022 इज स्टिल अंडर प्रोसेस, नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड कैन बी प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज। इस समय इस स्टेज पे हम आपको कोई भी सूचना इससे संबंध में प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, हालांकि ये सूचना बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन जब फाइनल स्टेज होता है, रिजल्ट आने को होता है, तब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती और ये गोपनीयता की बात होती है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपका जो रिजल्ट है जल्द ही आने वाला है, क्योंकि आपकी जो भर्ती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की, जो DP ड्राइवर की जो भर्ती है, इस भर्ती को मिशन मोड में लिया गया है, मिशन रिक्वायरमेंट मोड में, MRM इसको कह सकता हूं मैं, मिशन रिक्वायरमेंट मोड में यह भर्ती है और इसमें 31/12/2023 तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में थमाने का ये जो इनका फ्यूचर प्लान है, वहां तक पहुंचने के लिए इनको जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करना पड़ेगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट के लिए आपको यहां पर बुलाएंगे। तो यहां पर लाजमी है कि जो भी साथी यहां पर इसके वेट में है, तो आप सभी को बता देना चाहता हूं आपका रिजल्ट है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जो SSC का शेड्यूल था कि यहां पर 15 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला था, इसमें डिले क्यों हुआ, इसमें डिले हुआ दीपावली के कारण, ठीक है, दीपावली के कारण ये डिले हुआ और इसमें अब डिले हुआ है तो लगभग 4-5 दिन डिले हो गया होगा, है ना मैक्सिमम। तो जो रिजल्ट 15 को आने वाला था यहां पर हो सकता है 20 के आसपास कभी भी आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। ज्यादा लंबा समय इस भर्ती में अब नहीं लगेगा, क्योंकि जिस वैकेंसी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है उसको ज्यादातर किसी भी वैकेंसी को दिल्ली पुलिस कभी भी यहां पर होल्ड नहीं करती, तो ये भी नहीं होगी, आपको इस भर्ती का रिजल्ट जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। और बाकी बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ जितनी जानी है वो चली जाएगी, यहां पर आपको ज्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जनरल की कट ऑफ किसी भी हालत में मेरे हिसाब से 70
तो प्लस कैसे भी नहीं जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी। और इसका हमने कई जो मेथड आपको बताए हैं, आप सभी को पता है, डेली जब 75 कैंडिडेट आपको एक ग्राउंड में बुलाते थे उनमें से 10-12 लड़के फेल होते थे, और 10-12 में से लगभग 5 लड़के ऐसे होते थे जो किसी न किसी जो है मिस्टेक के कारण यहाँ पर फेल हो रहे थे, और उनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा 68+ उनका स्कोर होता था। और ये सूचना आप लोगों के द्वारा ही बताई गई है, और आपको भी इसका रियलिटी में पता है। अब आप एक चीज मानना, एक ग्राउंड में एक दिन में अगर 5 लड़के टॉपर्स अगर फेल हो जाते हैं, टॉप स्कोर वाले जिनका स्कोर 68+ होता है, और आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं 10 ग्राउंड होते हैं, 10 में 50 लड़के जो टॉपर्स होते हैं फेल हो जाते हैं, और यहां पर 21 दिन जब ये चलता है तो 21 गुना आप यहां पर जो 50 करते हैं तो आप सभी को पता है कितने कैंडिडेट होते हैं, है ना। तो यहां पर आपको ज्यादा चिंता करने की यहां पर किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी जो कट ऑफ जानी है वो जाएगी और एकदम काफी कम कट ऑफ जाएगी, है ना। कभी भी ड्राइविंग टेस्ट जिस वैकेंसीज में होता है वहां पर, और दूसरी बात ये कि ये भर्ती काफी लंबी चली है, और लंबी चलने से भी कई लोग ऐसे हैं जिनको यहां पर जो है मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट में आने का मौका नहीं मिला, वो कहीं की दूसरी जगह जॉब जो है ज्वाइन कर चुके हैं, और इस टाइप की चीजें भी हुई है। और दूसरी बात यह है कि आपका जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा और सबका सिलेक्शन होगा, और जो कट ऑफ हमने पिछली वीडियो में बताई थी आप उसको देख लेना, और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट की ही सुविधा है, आप कॉल नहीं कर सकते, कॉल करेंगे तो भी उठाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कॉल आते हैं और सबसे बात करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपका कोई भी अगर नया सवाल है, कुछ भी मेडिकल है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट, किसी भी प्रकार से अगर आपका कोई भी नया सुझाव है, कोई सलाह है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे चैट करके। और दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट आ जाएगा। और मैं समझ सकता हूं कि रिजल्ट नहीं आने पर कितनी बड़ी समस्या आपके दिमाग में आती है, और कितनी आपकी जो नींद है वो भी खराब होती है, नींद भी आती नहीं है रात को। मुझे पूरा पता है कि जब कोई बच्चा होता है और बेरोजगारी के इस पड़ाव पे, और इस एज जो एज आपकी हो चुकी है, मुझे पता है कि सभी है लगभग एवरेज के कगार पे हैं, और कई लोगों की तो यहां पर जीवन में ये आखिरी भर्ती होगी, उसके बाद में कोई भी भर्ती वो देख नहीं पाएंगे, तो उनके मन में क्या बीत रही होगी, उनके मन पर क्या बीत रही है वो मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, बिल्कुल यहां पर मैं सारी चीजें समझता हूं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहां पर काफी सारी वैकेंसीज है, जैसे कि SSB है, DSSB की वैकेंसी भी यहां पर क्लियर हुई है, और इसके अलावा CISF है, CRPF है, CRPF है। तो यहां पर इन भर्तियों में जो कैंडिडेट है ना, यहां पर जिस वैकेंसी को यहां पर जो पहले ज्वाइनिंग अगर दिल्ली पुलिस को मिल जाती है तो यहां पर भी आपको कट ऑफ काफी कम देखने को मिलेगी, और इसका प्रभाव एक दूसरे की वैकेंसीज में पड़ेगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा जो ITBP की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर 1411 तो दिल्ली पुलिस में निकल जाएंगे, ये सारे के सारे टॉपर है, अगर इसकी ज्वाइनिंग नहीं होती और इसका पेपर अगर पहले हो जाता तो ये सारे बच्चे इसमें भी टॉप करते। कहने का तात्पर्य है यहां पर आपके लिए ITBP में सबसे बड़ा गोल्डन चांस है, आपके फ्यूचर में आपकी लाइफ में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि ITBP जैसी वैकेंसीज में यहां पर आपको जो है बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मलाई मलाई निकल चुकी है, मैं आपको बताऊं मलाई निकल चुकी है, अभी मौका आपके पास में है। अगर अभी कुछ अच्छा कर गया आपने, थोड़ा सा अगर अच्छा कर लिया तो बेशक आपके पास में यहां पर जॉब होगी, और बहुत ही कम कट ऑफ यहां पर ITBP की जाने वाली है, क्योंकि कंपटीटर अब जो थे आपके वो अब सिलेक्ट होके दिल्ली पुलिस में, SSB में, DSSB में, SSC GD में, रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि ITBP ड्राइवर का इतना क्रेज नहीं है जितना दिल्ली पुलिस का है, और आप CISF में, CRPF में, इन सभी वैकेंसीज में, राजस्थान में आपकी ग्राम सेवक पटवारी, यहां पर भी काफी बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, रीट में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बिहार की जो टीचिंग वैकेंसी है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहां पे पास हुए हैं, तो सभी बच्चे यहां पर, बहुत सारे बच्चे हैं जो हैं यहां पर क्वालिफाई होकर ज्वाइन कर चुके हैं और कर लेंगे। तो यहां पर इसका प्रभाव आगे की वैकेंसी में पड़ेगा, जो भी साथी आगे इसकी तैयारी कर रहा बिल्कुल आप यहां पर है अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए आप स्टडी एट होम परिवार से जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी एट होम के पास में इसके लिए दो प्रकार के आपके पास कोर्स है, एक फ्री का कोर्स है, फ्री का कोर्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां पर, आप में एक चीज आपसे वादा करता हूं, आपका जो जितना भी जो पर्सन आएंगे उनमें 90% जो क्वेश्चन है उस फ्री वाले कोर्स से नहीं मिल जाए तो मुझे कह देना। मैंने आज तक जितनी भर्तियों के पेपर हुए हैं, जितने क्वेश्चंस होने चाहिए उन सबको फास्ट रिवीजन के रूप में यहां पर लगभग मैंने आपको 50 सेशन करवाए हैं, और सभी के सभी फ्री जो हमारा कोर्स है इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, आप बिल्कुल उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री कोर्स का लिंक दिया गया है, और इसके लिए आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
आईटीबीपी हो चाहे आपके एसएसबी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, हमेशा से ड्राइवर एग्जाम के लिए स्टडी एट होम हमेशा से समर्पित है और एकदम लोवेस्ट कॉस्ट पे या फ्री में यूट्यूब की मदद से और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे हर तरीके से आपकी हमेशा से मदद करता आया है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने तक आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा नाम राजू राम है, मेरा नाम राजू राम है और आज राजू राम को अगर रासर बनाया है तो आप लोगों ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो वजूद आज जिस पोजीशन पे मैं हूं वो आप लोगों की मदद से हूं और आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के हितार्थ हमेशा से ये प्लेटफॉर्म समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक पॉजिटिव कमेंट के साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।